रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे साथ कानों में मेरे। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग रेशमा इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत। ये अंधेरा देखा आपने, रात की रोशनी बहुत अच्छी दिख रही थी, जैसे कि दिवाली हो, क्रिसमस हो, उसके साथ मैं तो हमेशा की तरह झूम रही थी। ये वहाँ का नज़ारा है जहाँ हम छुट्टियों में गए थे, सोचा आपको भी वहाँ की रात दिखाऊं। ये डेकोरेटिव कैसे लग रहा है? ये जो है ना, वहाँ का स्विमिंग पूल है, दिख तो नहीं रहा है लेकिन लाइट का रिफ्लेक्शन उसमें आता है। ये हमारी रूम और ये वहाँ का कैंपस जो रात में और भी बेहतरीन लग रहा था, आप देख सकते हो, है ना? ये पेड़ और उस पर लाइटिंग मैंने एक व्लॉग में दिखाई थी, सोचा बाकी का नज़ारा। ये जो है ना, वो कॉफ़ी हाउस था, उस पर बहुत अलग अलग टाइप की कॉफ़ीज थी, खास करके फिल्टर कॉफ़ी। ये वहाँ का कैंपस, थोड़ा कैमरा हिल गया, सो सॉरी फॉर दैट। और ये रहे हमारे महाशय जो ऊपर जा रहे थे, उनको अचानक लगा मैं आइसक्रीम खाऊं। हम लोग आइसक्रीम के बहुत शौकीन हैं, एक व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। फ़ोटो वीटो खिंचवाए, क्योंकि वो तो ज़रूरी था, आपको दिखाना जो था ना। ये बाहर का नज़ारा रात का, थोड़े पोज भी देख के भी फ़ोटो खिंचवाए, फैंस। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? आपको भी ऐसी रातें पसंद है जिसमें सुकून भी हो, जगमगाहट भी हो और शांति भी हो, है ना? तो आइए देखते हैं नाइट वर्ड से रिलेटेड कुछ ईडियम्स। ईडियम्स मतलब मुहावरे, ऐसे मुहावरे जिसमें नाइट ये वर्ड आता हो। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ईडियम है फ्लाई बाय नाइट। फ्लाई बाय नाइट का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते, द पर्सन ऑन होम यू कांट ट्रस्ट। तो उसका सेंटेंस कैसे करेंगे? डोंट ट्रस्ट ऑन दिस पर्सन, ही इज फ्लाई बाय नाइट पर्सन। मतलब इस आदमी पर बिल्कुल भी विश्वास ना करना, क्योंकि यह सबसे बड़ा चीटर है। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम चीटर बोलते हैं उसे ईडियम्स में बोला जाता है फ्लाई बाय नाइट पर्सन। ये फ्लाई बाय नाइट का इस्तेमाल और एक जगह करते हैं, जैसे कि कोई कंपनी हो, उस कंपनी पर आप विश्वास ना कर सके, जैसे कि लोग काम तो करते हैं लेकिन ये कंपनी टाइम पर पेमेंट नहीं देती है, लोगों को शेयर्स पर डिविडेंड नहीं देती है, मतलब ये कंपनी है उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो दिस कंपनी XYZ कंपनी इज फ्लाई बाय नाइट कंपनी, डोंट ट्रस्ट ऑन इट। XYZ कंपनी इज फ्लाई बाय नाइट कंपनी, डोंट ट्रस्ट ऑन इट। मतलब आप जान ही गए होंगे ये फ्लाई बाय नाइट का इस्तेमाल दो जगह किया, एक तो कोई आदमी जो सबसे बड़ा चीटर हो उसके लिए इसका इस्तेमाल, और दूसरा कोई कंपनी जो पैसे डुबाती हो, उस वक्त इस ईडियम का इस्तेमाल ज़रूर करना है। क्या बोलते हैं इसे हम? आगे का ईडियम है अ नाइट आउल। नाइट आउल का मतलब वो व्यक्ति जिसे रात में काम करना पसंद है, दिन में नहीं। तो ही इज अ नाइट आउल, मतलब उसे रात में काम करना पसंद है, ही इज नॉट अ डे पर्सन। वैसे एक रात की बात बताऊं, ये यूट्यूब के वीडियोस है ना, मैं भी रात को ही एडिट करती हूँ क्योंकि कंटिन्यूस टाइम मिलता है। सो आई एम ऑल्सो अ नाइट आउल, मतलब यूट्यूब के काम करने में भी मैं भी रात में ही ये काम करती हूँ। आई एम अ नाइट आउल।
आगे का idiom है as day and night, मतलब ऐसे दो व्यक्ति जिनका स्वभाव बिल्कुल अलग हो. These are two brothers, but they are different like day and night. मतलब ये दोनों भाई तो है लेकिन उनके स्वभाव में, उनके नेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. जी हाँ, ज़मीन आसमान जो हम हिंदी में बोलते हैं उसके बदले इंग्लिश में बोला जाता है अ डे एंड नाइट. डे एंड नाइट मतलब दोनों के स्वभाव अलग है, भिन्न है. ये नाइट वर्ड से रिलेटेड idiom आपको कैसा लगा ज़रूर बताना है. और हाँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी ज़रूर करना और बेल की घंटी वो तो दबानी है ताकि नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक दस्तक दे और हम और आप बातें कर पाए, क्योंकि बातें भी तो ज़रूरी है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आप ज़रा सजेस्ट करिए मुझे नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊँ, किस चीज़ के बारे में बनाऊँ.